तो भाई अगर आप मुंबई में रह रहे हैं और अगर गाड़ी कहीं भी पार्क कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर यू हैव अ BMW, आपका गाड़ी जो है वो उठ के जो है पार्किंग ऐसे ले जाएंगे BMC वाले। अद्भुत। So, where are you guys? अभी जो है GTA 5 का वर्जन 1.35 जो है इसमें डाउनलोड हो रहा है। वन इंटरेस्टिंग थिंग की जो भी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो डिवाइस में होता है, यानी PS में होता है। और क्योंकि GTA 5 का मेरे पास यू नो ब्लू रे डिस्क है तो काफ़ी अच्छा सिंकिंग थिंग है, ये मुझे अभी जस्ट पता चला। एंड गाइज डू यू नो वॉट, सो बेसिकली ये शेयर बटन है, जब मैं गेम खेल लेता हूँ तो एक बार शेयर दबाता हूँ, फिर मैं इधर से यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। और ऐसा 2-4-5 बार मेरे साथ पहली बार भी हुआ है कि मेरे साथ इससे पहले भी कई बार हुआ है। शेयर बटन एक बार दबाया जाता है फिर पेशेंसली वेट किया जाता है, आज गलती से मैंने 2 बार दबा दिया। तो सो व्हेन यू प्रेस द 2 टाइम्स यू नो शेयर बटन तो आपका जो गेम प्ले रिकॉर्डेड रहता है वो डिलीट हो जाता है, बेसिकली नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। सो कोई बात नहीं है, जो गया सो गया, बीते जो चीज़ हमसे छूट गई है उस पर हम क्या कर सकते हैं, तो कोई नहीं, स्टिल यू नो सो दिस इज व्हाट द थिंग आई वुड लाइक टू से। कोई चीज़ अगर आपके हाथ में है और आप अगर उस चीज़ को कर सकते हैं तो बखूबी कीजिए, और कोई चीज़ अगर आपसे नहीं हो सकता है तो क्या कर सकते हैं, आपको उसको जाने देना होगा। सो यो, दिस इज़ द वे टू लिव लाइफ एंड दिस इज़ हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। तो कभी पहले, आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई चीज़ अगर कर रहा है वो नहीं हुआ, छोटे छोटे चीज़ में ही इन सब बातों को देखा जाता है। जैसे गेम मैं खेल रहा हूँ अगर शेयर नहीं हुआ तो आई यूज़ टू गेट इरीटेटेड, यू नो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं हो पाया, कुछ लेट हो गया तो आई यूज़ टू गेट इरीटेटेड। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ ये एक्वायर्ड नॉलेज रह गया था, या कहीं जा रहे हैं लेट हो गए, या कुछ कर रहे हैं किसी भी तरह का चीज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अगर हमारे अनुकूल ना हो, सिंपल चीज़ अगर गेट भी ना खुल रहा है और अगर 2-4 बार ना खुले तो एक इरीटेट होना, एंग्जाइटी क्रिएट करना, ये सारा यू नो आप हम में कहीं ना कहीं ये सब आदतें कि हम जो है ग्रस्त में रहते हैं, लेकिन इन सब को आई एम ट्राइंग टू ओवरकम एंड दिस इज़ सुपर फन, जस्ट डू इट। कि कोई चीज़ अगर आपसे छूट जाए, टूट जाए, यू नो ऐसा कभी भी कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे, आपको बस 2 चीज़ देखना है कि क्या उस चीज़ में कोई बदलाव किया जा सकता है। इफ़ द आंसर इज़ येस, वी विल चेंज इट, विल रिपेयर इट, विल डू द थिंग्स करेक्ट। बट अगर नहीं हो पाता है तो उसमें एक भी सेकेंड टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। सो यो, गेमिंग टाइमिंग इज 7:32-8, बट आई एम स्टिल वॉकिंग ऑन इट कि 7:30 कैसे आए, एंड कभी कभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है। अभी मैं 7:30 आना शुरू कर दिया हूँ क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में 7:25 AM का एक अलार्म लगा दिया है, वॉकिंग टाइम सब, तो 7:30 तक आ जाता हूँ। हालांकि टुडे आई वॉज ऑन अ कॉल, दैट्स वाई थिंग्स, एंड आज जो मैगी बनाया क्योंकि श्रेष्ठा का जो नाश्ता जो है फुल्ली तरीके से जो है अभी रेडी नहीं हो पाया, और ये वर्जन 1.35 आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, हाउ डज GTA 5 विल बी वर्किंग ऑन दैट। आजकल मैं हार्ले का बैग ले जा रहा हूँ क्योंकि यू नो सामान वैनगार्ड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वैनगार्ड को ट्रैवल के वक्त यूज़ करने का, हार्ले का भी बैग को कभी ना कभी तो यूज़ करना है। 3 साल हो गया मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया इसको, एंड यस आई नीड माई पावर बैंक, आई जस्ट सर्च इट। बट बिफोर दैट मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि 8:30 बजे पहुँचने का टाइम है पापा। सो ऑलराइट गाइस, इस डिवाइस को हमने गेमिंग सेटअप के लिए मतलब लिया था क्योंकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट में जो है ज़्यादा USB का स्लॉट्स नहीं है, इसलिए ये डिवाइस लिया था। कितने दिन हो गए, मतलब किसको कब कब यूज़ होना है, सामान तो हमारा देखो ये भी आ गया लेकिन लैपटॉप ही ख़राब हो गया, और लैपटॉप अभी तक यू नो वो माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग जो हैं दे आर इन द प्रोसेस, बट नो वरीज, अभी ये काम आने वाला है। एक्चुअली आई हैव दिस SD कार्ड रीडर, तो विल सी कि क्या SD कार्ड रीडर एक्ट एज अ पेन ड्राइव, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क जो है HP वाला वो इट इज़ नॉट यू नो आई थिंक, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो गया, 9-10 साल पहले ही 9-10 साल तो नहीं हुआ, 6-7 साल पहले ही उसको लिया गया है, तो दैट इज़ नॉट वर्किंग। सो आई जस्ट चेक की वेदर दिस थिंग विल वर्क एज अ पेन ड्राइव और नो, सो लेट अस गिव इट अ ट्राई। भाई इसका पैकिंग तो देखो क्या अद्भुत तरीके से चारों तरफ से लॉक कर दिया है, इसको हटाना पड़ अच्छा तो भी है, ओ ओ ओ ओ लॉक नहीं किया गया, नाइस, बेस्ट वे टू कीप एनी चार्जिंग स्टफ और एनी गियर्स, नाइस, प्लास्टिक का सही यूज़,
निकला कि प्लास्टिक तो यूज़ नहीं करना चाहिए एज पर यू नो, बट एवरीथिंग हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सही भी यूज़ हो सकता है, गलत भी यूज़ हो सकता है. ओके ओके ओके, सो आर वी इंसर्टिंग. ओए भाई, इस पर भी पैक किया हुआ है क्या भाई? ओ भाबा ओ भाबा ओ भाबा, क्या बात. इसको बोलते हैं अमेजिंग पैकेजिंग वर्क. टीपी लिंक, ग्रेट जॉब. ओके, तो इसको मैं इधर इंसर्ट करता हूँ. ओके, और मैं हमारे डिवाइस को यहाँ पर रख रहा हूँ, और पेन ड्राइव के लिए लेट्स सी वेदर इट विल वर्क. ओके, आर वी यूजिंग दिस. ओके, इफ नॉट हियर लेट अस सी हियर. ओके, सो इफ आई कॉपी टू यूएसबी. ओके, द यूएसबी स्टोरेज इज नॉट कनेक्टेड बिकॉज दिस इज नॉट गेटिंग इंसर्टेड प्रॉपरली. ओके, कुछ तो सीन है क्योंकि ये प्रॉपरली जो है अंदर तक नहीं जा पा रहा. इसके लिए कुछ तो अपने को देख रहे हो, ये पूरा ऐसा अंदर नहीं जा पा रहा, तो इसलिए लग ही नहीं पा रहा. ये पीएस को जो है थोड़ा सा ए अपग्रेडेड बनाना चाहिए आई थिंक, लेकिन पीछे भी एक स्लॉट होना चाहिए इन लोगों को. वॉट एवर इट इज, चलो इट डिडंट वर्क, नो वरीज. सो और एक मेरा पेन ड्राइव भी है, मैंने कुछ दिन पहले लिया था वो सी मतलब नो मोबाइल में भी क्या बोलते हैं उसको, सी केबल, सी पॉट, मिनी पॉट, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो दैट की टर्म. मोबाइल में भी स्ट्रेट लग जाता है वो पेन ड्राइव, लेकिन वो पेन ड्राइव मिल नहीं रहा है. मैंने श्रेष्ठा को तो बोल दिया ढूंढने के लिए, अकेडमी में भी ढूंढेंगे, नहीं मिला तो वी हैव टू गेट अ न्यू पेन ड्राइव. एज यूजुअल यू नो आई लाइक बाइंग गियर्स, तो कुछ भी नहीं है तो बस ले लेने का, अपडेटेड रहने का. देखो ये डिवाइस हमने इसलिए लिया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले हमारे इसमें ना ही इथरनेट पोर्ट है और ना ही एक्स्ट्रा यूएसबीज है, क्योंकि जब गेम खेलेंगे तो एक एसडी कार्ड वाला लगेगा. ओके, एसडी कार्ड बोल रहा हूँ, एचडी मतलब यू नो कैप्चर कार्ड में लगेगा, एक माइक्रो यूएसबी माइक का लगेगा, और इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट होने वाली है, ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ होने वाला है और उसमें एक ही स्लॉट है, तो इसलिए ये चीज़ तो काफ़ी यूज़फुल है हमारा. और बाकी इसका देखते हैं, ये तो ये भी चीज़ सही ही चल रहा है, लेकिन अभी पेन ड्राइव अपने को ढूंढना होगा. जो भी होगा देख लेते हैं रे बाबा, कोई बात नहीं है रे बाबा. एलेक्सा टर्न ऑफ टीवी. प्रमोद, ये मेल वाला इशू अभी तक देखो सॉल्व नहीं हुआ है. ये देखो ऑथेंटिकेशन एरर फ्रॉम मेल फ्रॉम रिवर फलना देखना, ऑलवेज रिप्लाई फ्रॉम डिफॉल्ट, ये वाला चीज़ में कुछ एरर हो रहा है. प्रमोद प्लीज़ चेक इट क्या है. ओके, गो थ्रू इट वॉट एवर इट इज. सो गाइस, अभी हम लोग मलाड में हैं, सैमसंग का ये जो हमारा इंटर पीछे वाला जो स्क्रीन टूट गया उसको चेंज कराने. आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मुंबई में जो है पार्किंग का इश्यू होता है. अभी पिछले 2-3 दिन से मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुंबई में बाबा पार्किंग का बड़ा इशू, पार्किंग का बड़ा इशू. और इस बकलोल ने ना कुछ तो विजिलेंस सर्विस कुछ तो अलग ही, तो क्या बोलूँ मैं, मैप में गलत एड्रेस डाल के कहीं तो गोल गोल घुमा के लाया था. व्हाट इज दिस एड्रेस, शिव जी ने बोला है गलती दूसरे में नहीं बोलता. क्या आपने कभी सोचा था कि सैमसंग जैसे रेपुटेटेड ब्रांड का ऐसा सर्विस सेंटर होगा? जी हाँ, ऐसा है, होगा क्या. एंड दिस बिल्डिंग इज अप्रूव्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अद्भुत, वहाँ देखो लोगो लगा हुआ है, ये देख रहे हो ये ब्लू वाला लोगो. जी हाँ, सो यो लेट अस गो ब्रो. सर यो अद्भुत बोलो, अद्भुत अद्भुत
अद्भुत। बिरयानी के बाद पान अद्भुत। So my dear friend is in love with this bhajia pav. Every day he screams at Vignesh and ask him to get 5 bhajia pav. Adbhut. तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अद्भुत। सो वी वेटेड अ लॉट, 1:30 बजे ही खाना खाने का समय था, 2:30 बज गया तो सोचा कि खाना खा के आ जाए क्योंकि लोगों ने बोला कि आधे घंटे और लगने वाले हैं। एंड सैमसंग नोट 10 प्लस का जो है ओरिजिनल कवर अनुपम में है, और भी एक दो स्टोर में पूछा, लेट्स सी कैसा कवर है। नहीं तो एक मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, उसी को यूज़ करेंगे। एंड वेयर इज माय ब्रदर, अब कम ब्रो जल्दी। ओ ब्रदर व्हाट इज दिस, वेयर यू रन? एंड ही डिडंट गेट द भजिया पाव बिकॉज़ उसको तलने में लेट लगा। क्या बोलते हो? आई लव भजिया पाव। ही लव भजिया पाव। तो भाई अगर आप मुंबई में रह रहे हैं और अगर गाड़ी कहीं भी पार्क कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर यू हैव अ BMW, आपका गाड़ी जो है वो उठ के जो है पार्किंग ऐसे ले जाएंगे BMC वाले। आज बहुत बेसिकली हमारा एक मीटिंग था जो कि मीटिंग डन हो चुका है, और अभी हम लोग वापस सैमसंग का फ़ोन लेने के लिए आए हैं, और ऐसा लग रहा है इधर हम लोग 1 घंटे तक वेट सिर्फ बिरयानी खाने के लिए किए थे। ओ हो अद्भुत BST जय महाराष्ट्र। अभी ये सब जो चीजें आपको मैं कल पैक करके दे दूंगी, आप शॉप में जाकर चेंज करा। ये स्टिकर आ गया आप लोगों ने चुराया? हाँ, ये नया उस पर आता ही है। अच्छा, नया उस पर क्या रखना है क्या उसको? सॉरी, रखना है किसको? स्टिकर को निकालना है, निकाल सकते हैं सर। क्या हमारे भी फिंगरप्रिंट लगते हैं, ग्लू लगता है, मशीन रिफिट होता है ना सर? एक बार मैं सर को बोल देती हूँ एसएसके में बात करने के लिए आपके लिए। निकाल दो स्टिकर, निकाल सर, थोड़ा कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी हूँ। यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है, कौन सा ब्रेकर होता है? ठीक है, ये जो ऐसा दाग लगा, ये उसमें दाग लगा, इसमें एक वो कवर आता है ना, इसका प्रोटेक्टिव वाला ओरिजिनल वाला, वो हेवी वाला सर, वो कहाँ मिलता है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता है। अच्छा, बट आता तो है सर, कहीं मिल ही नहीं रहा यार, इनफैक्ट ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा। और आज लो एंड द फोन इज दैट ना, इसका कोई ग्लास होता है, ये होता है क्या प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास? मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, कवर्स हो गए, ग्लास, ये वाला ऊपर, ये जो कवर आप यूज कर रहे हैं ऐसा सर, ये एज सीरीज जिसमें भी आती है उसमें ग्लास नहीं आता है, तो उसमें टच वो उसमें एक नॉर्मल प्लास्टिक का पेपर आएगा। हां क्यों, अच्छा ये तो है ही ना, लगा हुआ है, तो लगा हुआ आता है, आप नया फोन लोगे उसमें भी लगा हुआ आएगा। फाइनली इट इज़ डन नाउ, भाई आगे भी पीछे भी ग्लास, ऐसा लग रहा है शीशे का फोन लेके घूम रहा हूँ। चीयर्स। बस 6-8 घंटे लगा। तो वो चीयर्स। बाय। तो यो आज एक दिन ये वाला काम हो गया, हालांकि सुबह मैं सारा कॉल्स और यू नो मैसेजेस मेल वगैरह करके गया था। ओ माय गॉड, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें प्रोटेक्टिव कवर अगर लगाता हूँ तो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है, और आप लोगों का मतलब जो भी कलर की तो बात है सारी। मैं इसके लिए आया।
सॉरी गाइस, मतलब ग्रेट न्यूज की व्लॉग अभी बहुत ही जल्द लाइव हो रहा है। और भाई कितने देर से खड़ा है तू? कितने देर से खड़ा है भाई? कितने देर से खड़ा? Oh, it's not working, bro. You are standing since last time. इसको मैंने बोला मुझे पानी गर्म करके देने, so, ये dispenser से निकाल रहा है भाई, एक साल से खड़ा। By the way, त्रिशूल is back here, और त्रिशूल के आने के खुशी में हमने जो है तो basically Filmora Pro, yes, so Filmora Pro जो है फाइनली हमने खरीद लिया। एक्चुअली Filmora Pro क्रैक वर्जन जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो में लॉकडाउन के वक्त डाला था, पता नहीं क्यों मुझे उसी वक्त से ये मैंने कसम खा लिया था कि जिंदगी में कोई भी पायरेटेड वर्जन चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि पायरेटेड वर्जन की वजह से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया। सो व्हाटएवर इट इज, द वर्क इज ऑन, is learning editing. हमारा त्रिशूल भाई is back, the great singer and the future editor. And बाकी सब तो बढ़िया है, देख रहे हो उधर, उधर का सामान इधर आने का, ये देखो आने उकुलेले बजा रही, उकुलेले, तो ये सब काम चल रहा है। और इधर ये लोग योजना कुछ तो बना रहे हैं, और बस विघ्नेश तो आज क्या अद्भुत काम किया, बस ज़्यादा नहीं 100-200 कैटलॉग ऐड किया है। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर, मतलब सोलफुल म्यूजिक अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर में आया, कैटलॉग चेक कीजिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। वो यू वुड लाइक टू से समथिंग ब्रो? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सो यस, इधर 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 बाकी सब तो बढ़िया है। सो यस गाइस, इट वाज व्लॉग, ये मतलब सेकंड लास्ट व्लॉग है, अब इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो डेली अपडेट होगा। सो चीयर्स, ओम नमः शिवाय। काफी लंबा अरसा लग गया है ना इस चीज को सही जगह पर आने के लिए। एंड इस जगह के बारे में मैंने बताया क्या? सरस्वती माता जी जो है हमारी एक स्टूडेंट ने हमें गिफ्ट किया है, बताया या नहीं बताया पता ना मुझे, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है किधर का, किधर का मतलब कि शायद एंड के वक्त हो गया। ओ व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर इट इज, चलो गाइस टू बी कंटिन्यू।